गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस संस्कृत शौर्यम से जुड़े हुए सभी विद्वद्गण, सभी सज्जन वृंद एवं इसके संस्थापक एवं व्यवस्थापक गण, इस समय महामहोपाध्याय आचार्य प्रवर स्वर्गीय रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरुजी के विषय में लोगों का चिंतन प्राप्त हो रहा है। आचार्य रेवा प्रसाद जी केवल न केवल काशी की अपितु संपूर्ण विश्व की विभूति थी, विभूति रूप में थे, जिन्होंने संस्कृत जगत को अनेक ग्रंथ रत्नों से सुसज्जित किया है। कई हजार जिनके शिष्य संस्कृत जगत को आज भी प्रकाशित कर रहे हैं, अनेक ग्रंथों के प्रणयन के साथ साथ निरंतर नूतन चिंतन आचार्य श्री का सर्वदा चलता रहता था। मुझे काशी आने पर अनेक बार उनके दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। प्रायः आप जब किसी के यहाँ जाएं तो यही प्रश्न करते हैं, आप कैसे हैं, आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं, आपका ठीक तो चल रहा है, स्वास्थ्य तो ठीक हो रहा है आदि प्रश्न या लोग करते हैं आपसे। किंतु आचार्य द्विवेदी जी के यहां जाने पर ये सब कोई प्रश्न नहीं हुआ करते थे। जब तक आप रहिए केवल शास्त्र चर्चा होती थी, शास्त्र के प्रति जो उनका समर्पण का एक स्वभाव था वो अप्रतिम स्वभाव था। बहुत कम विद्वानों का स्वभाव हमने इस तरह से देखा है जो केवल शास्त्र चिंतन में ही अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करने का लक्ष्य बना रखा है। वस्तुतः ये सामान्य विभूतियां नहीं, ये विभूतियां साक्षात भगवान के अंशभूत होकर के ही आती हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, यद्यद् विभूति मत्सत्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जहां विलक्षण तेज हम जिस व्यक्ति विशेष में देखते हैं, तो इस गीता वचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस भगवान वासुदेव का एक विलक्षण तेज उस व्यक्ति विशेष में होता है। संभवतः आचार्य महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का भी यही स्वरूप था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के एक अप्रतिम विभूति के स्वरूप का उनके अंदर वो प्रवेश था, जिसके कारण वो नए नए आयामों को, नई नई रचनाओं को, नए नए विचारों को प्रदान करते रहे। महामहोपाध्याचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, ऐसी विलक्षण प्रतिभा उनकी थी कि जिस विषय पर वो अपनी दृष्टि का प्रयोग करते थे उसमें लोकोत्तरता स्वतः प्रस्फुटित होने लगती थी।
इनके अध्ययन का क्रम भी बड़ा विलक्षण था। यद्यपि ये साहित्य शास्त्र के आचार्य माने जाते हैं, परंतु इन्होंने न केवल साहित्य शास्त्र का अपितु व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा आदि शास्त्रों का भी इन्होंने विधिवत अपने गुरुजनों से अध्ययन किया, और उसका अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने साहित्य विद्या का अध्ययन किया। साहित्य विद्या एक विलक्षण विद्या है, जिसमें सभी दर्शनों का ज्ञान होना आवश्यक है, बिना उसके आप साहित्य शास्त्र को समझ नहीं सकते। यहां न्याय शास्त्र की भी आवश्यकता होती है, मीमांसा शास्त्र की आवश्यकता होती है, तब जाकर के उन साहित्य की पंक्तियां पूर्ण रूप से स्फुटित होती हैं। जो लोग समझते हैं कि हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, न्याय नहीं पढ़ेंगे, मीमांसा नहीं पढ़ेंगे, व्याकरण शास्त्र बड़ा सरल है, वो मीमांसा साहित्य शास्त्र बड़ा सरल है, उसको पढ़ लेंगे तो कार्य चल जाएगा, ये नहीं है। जब आप साहित्य शास्त्र को पढ़ते हैं, चाहे वो काव्य प्रकाश हो या रसगंगाधर हो या ध्वन्यालोक हो या और भी कोई भी शास्त्र है, तो इनका अध्ययन करना आपको आवश्यक है। जब तक इनका अध्ययन आप नहीं करेंगे, तब तक वहां की उन पंक्तियों का रहस्य आपको प्रकट नहीं होगा। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक शास्त्र उस कड़ी के साथ बंधा हुआ है। जैसे माला की एक मनका को तोड़ दीजिए तो माला का स्वरूप सुरक्षित नहीं होता है, ठीक उसी ढंग से इन समस्त विद्याओं में अगर किसी एक विद्या का भी अगर स्पर्श आपने नहीं किया है, तो किसी भी विद्या को समझने में आप न्याय नहीं कर पाएंगे। और विशेष करके साहित्य विद्या का तो एक विशेष विलक्षण स्वरूप है। इसलिए आचार्य महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी में एक वैलक्षण्य था उनके व्यक्तित्व में। जो श्लोक की रचना करते थे तो लगता था कि कालिदास, दूसरा कालिदास इस भूमि में पुनः आ गया है। स्वातंत्र संभवम जैसे ग्रंथ को अगर हम देखते हैं तो लगता है कि व्यास की एक परंपरा जो पुराणों की लिखने की थी, वो पुनः इस स्वातंत्र संभव के रूप में यहां पर उपस्थित हो गई है। वहीं पर साहित्य के शास्त्रों की परंपरा को देखा जाए तो उनके जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनका एक विलक्षण स्वरूप तो है ही है, साथ साथ उनके नूतन प्रतिभा का एक सशक्त उदाहरण भी है। आपने जैसे अनेक विषयों की चर्चा की, अनेक साहित्य शास्त्रों का आपने उद्धार किया, जिसमें श्रृंगार प्रकाश का एक विलक्षण स्वरूप है, साथ में ही कालिदास के सभी ग्रंथों का अत्यंत परिश्रम करके आपने उनका संपादन किया, एक विलक्षण स्वरूप उसमें आपने दिया। आज आपके कालिदास के उन ग्रंथों को की जो प्रमाणिक पाठ है, जो इसके आपके द्वारा जो संपादित है, प्रायः प्रमाण के लोग के रूप में लोग उसका ही ग्रहण करते हैं। यद्यपि आज भी बहुत से लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु वही है कि अगर कोई राजा पुल बना देता है तो चींटी भी उस पुल से पार चली जाती है। उसी ढंग से आपने जो कालिदास ग्रंथावली की का संपादन करके एक जो उसका सशक्त पाठ आपने निर्णीत किया है, उसी को आधार लेकर के अन्य लोग भी अपने परिश्रम को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने एक नए सिद्धांत की भी स्थापना की, जैसे वैयाकरण शब्द ब्रह्म को, तो अन्य लोग अन्य ब्रह्म को मानते हैं, आपने अलंकार को सर्वस्व मान करके और अलंकार में अलम शब्द को अलम ब्रह्म के रूप में आपने स्वीकार किया।
अलम ब्रह्म एक आपका 27 निबंधों का एक ग्रंथ है जो दो भागों में विभक्त है, काव्यखंड और नाट्यखंड। काव्यखंड में 22 और नाट्यखंड में 5 निबंध है। और इस ग्रंथ का पहला निबंध अलम ब्रह्म है और वही इस ग्रंथ का भी शीर्षक। अलम पदार्थ क्या है, इस पर आचार्य द्विवेदी जी का विशिष्ट चिंतन है। वो कहते हैं कि सामान्य रूप से अलम शब्द तो एक अव्यपद है। अमरकोशकार इसकी व्याख्या करते हैं, अलम भूषण पर्याप्ति शक्ति वारण वाचकम। इस प्रकार अलम शब्द अमरकोश के अनुसार भूषण अर्थ में, पर्याप्ति अर्थ में, शक्ति अर्थ में, वारण वारण अर्थात निषेध, इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। विश्वकोश में भी अलम भूषण पर्याप्ति वारणेशु निरर्थके अलम शक्तौ च निर्दिष्टौ। अर्थात अलम शब्द भूषण अर्थ में, पर्याप्ति अर्थ में, वारण अर्थ में और निरर्थक भी है, निरर्थक अर्थ में भी है और शक्ति अर्थ में भी निर्दिष्ट। अलम शब्द का प्रयोग आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार उसमें ब्रह्म के स्वरूप में आया हुआ है। यद्यपि सभी अग्नि पुराण के पाठों में अलम शब्द का प्रयोग दिखाई नहीं पड़ता है, किंतु कुछ प्रामाणिक प्रतियां हैं जिनमें अलम शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है और वो अग्नि पुराण का श्लोक जो 339वें अध्याय का प्रथम पद्य है, अक्षरम परमं ब्रह्म सनातन मलम विहुम वेदांते वदन्त्येकं चैतन्य ज्योतिरीश्वर। ये अग्नि पुराण का यह पद्य का पाठ सन 1936 में प्रकाशित निर्णय सागर प्रेस मुंबई से, जिसके आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के संस्करण के परिशिष्ट में आचार्य द्विवेदी जी को अग्नि पुराण का यह मूल पाठ प्राप्त हुआ था। और निर्णय सागर प्रेस के संस्करण की विश्वसनीयता को पूर्णतया स्वीकार अगर किया जाए तो यह पाठ पूर्ण रूप से प्रामाणिक माना जा सकता है। संप्रति प्रकाशित जो अग्नि पुराण के संस्करण है उसमें अलम के स्थान पर अजम यह पाठ लोगों ने कर दिया है, जिसका उल्लेख आचार्य जी ने अपने निबंध में पूर्ण सत्यता के साथ किया है। अब एक बात ये देखी जाती है कि प्रायः जहां ब्रह्म का वर्णन है और उनके विशेषणों का उल्लेख है वह अजम शब्द का उल्लेख है, और अलम शब्द का अगर उल्लेख किसी भी में है तो जो साधारण व्यक्ति है जो पाठ का संपादन करेगा तो अलम शब्द से उसे उस ब्रह्म के स्वरूप की जो परिकल्पना है वो नहीं हो पाएगी। उसके लिए उसको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, जिसके विषय में हम आप लोग आगे चर्चा करेंगे, क्या उसका स्वरूप है, कैसे है। किंतु अलम शब्द से भी ब्रह्म के स्वरूप की परिणति बन सकती है, उसका भी ज्ञान हो सकता है, वो भी विशेषण बन सकता है। और यहां अन्य संस्करणों में अजम पाठ है तो लोगों ने सोचा होगा कि अलम ये शब्द ठीक नहीं है, वो ब्रह्म का विशेषण नहीं हो सकता, इसलिए अजम के रूप में उन्होंने पाठ भेद कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है। किंतु आचार्य द्विवेदी जी का जो उल्लेख है कि अलम शब्द का अगर निर्णय सागर प्रेस में है तो निश्चित है अलम शब्द उस ब्रह्म का वाचक हो सकता है। तांड्य ब्राह्मण में भी अलम शब्द का प्रयोग अलम्मह शब्द के निर्वचन में आया है, इस प्रकार है, तम अब्रुवन कोन्वयम कस्मा अलम इत्यलन्नु वै मह्यमिति सामाब्रवीत तद अलम्बस्य आलम त्वम, ऐसा तांड्य ब्राह्मण में आया है। तो वहां पर भी अलम शब्द
जो है पर्याप्ति अर्थ में यहाँ प्रयुक्त है, क्योंकि कस्मै अलम मह्यम, अलम इन दोनों स्थलों में चतुर्थी विभक्ति है जो अलम के योग में होती है, और वहां अलम शब्द पर्याप्ति अर्थ में ही गृहित है। सिद्धांत कौंदिक ग्रंथ में अलम शब्द को पर्याप्ति अर्थवाचक माना गया है, प्रभु परमात्मा का वाचक भी माना जा सकता है, क्योंकि वहां पर अलम प्रभु समर्था इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। इसलिए अगर अलम शब्द को अगर उस परब्रह्म के विशेषण के रूप में अगर स्वीकार करते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि अलम शब्द का जो पर्याप्ति अर्थ प्रभु समर्था अलम, इनका उल्लेख सिद्धांत कौंदिक में भी हुआ है, तो उस आधार पर अलम को परब्रह्म का वाचक माना जा सकता है। और निबंध के प्रारंभ में ही आचार्य द्विवेदी जी ने सभी वैदिक दर्शन संप्रदायों में प्रचलित अहम ब्रह्म इस वाक्य के समान साहित्य शास्त्र में अलम ब्रह्म इस महावाक्य का अवतरण दिया है, जिसमें जहां अपने अलम शब्द के आकार से लेकर के हकार पर्यंत संपूर्ण वर्ण राशि को ग्रहण करके साहित्य शास्त्र में अभिनव शब्द ब्रह्म की अवधारणा की है, वहीं माहेश्वर सूत्रों में संपूर्ण वर्णांश वर्ण समावनाय अल प्रत्याहार जो अयुण सूत्र के आ से लेके हल के ला तक पर्यंत गृहित होता है, इससे संपूर्ण वर्ण राशि को ग्रहण कर शब्द ब्रह्म के वाचक अहम और अलम को परस्पर पर्याय के रूप में सिद्ध करने का सफल प्रयास आचार्य द्विवेदी जी ने किया है, और अपने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी वो सिद्ध करने का प्रयास करते दिखाई पड़ते हैं। वो लिखते हैं, अस्य हि निष्पत्तिर् वैदिकात् अरम पदात् उत्प्रेक्षामहे, अरम इति अव्यय पदम साहित्य संहितासु इव आरण्यकेषु सुलभमेव तस्यैवास्य विकासः अलम इति भाषा विज्ञानविद् सुविदित एष पन्थाः, अस्य सैवार्थो यो हि अरम इत्यस्य पर्याप्तिरेवान्यतमो अर्थ। अलम शब्द व्याकरण के अनुसार वादिगण में पठित अलपर्याप्ति भूषण वारणेश धातु से अलति समर्थो भवति भूषयति वारयति इति अलम, इस विग्रह में औणादिक अम प्रत्यय करने पर बाहुलकार विधान करने पर तथा कृण्वे जनता सूत्र से अव्यय संज्ञा करने पर अलम शब्द निष्पन्न होता है। यद्यपि उणादि प्रकरण में अम प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र नहीं है जिसका उल्लेख रामाश्रमी टीकाकार ने किया है, तथापि उणाद्यो बहुलम सूत्र से बाहुलकात अल धातु अम प्रत्यय का विधान करके अम में म घटक अनुनासिक आकार का लोप करके लोप करने पर अलम शब्द सिद्ध होता है, क्योंकि बाहुलकात जो है उसकी परिकल्पना हम कर सकते हो शब्द की सिद्धि के लिए। आचार्य द्विवेदी जी काव्य शास्त्रीय सिद्धांतवादियों में अलंकारवादी परंपरा के संवाहक आचार्य रहे हैं। आप ध्वनि सिद्धांत का पूर्णतया निराकरण करके महिम भट्ट के सिद्धांत के अनुसार अलंकारवाद के पोषक माने जाते हैं। वो लिखते हैं, यो ही साम्राज्य सिंहासनात् प्रच्यावितः तस्य कीदृशोन्वधः पातः सुलभः सैवेयम् कथा अलंकार परिभाषायाः कटक कुंडलादि तुल्यतां प्रापित एष प्रमुखतमं रसरूपमर्थं सर्वथैव परित्यज्य आग्रह ग्राहिलास्तिष्ठन्त्यत्र ध्वनिमार्गिणः अलंकारत्वं रसत्वं चांधकार प्रकाशयोरिव विप्रतिषिद्धमेव सर्वथेति। आप साहित्य शास्त्र का प्राचीन नाम अलंकार शास्त्र ही मानते हैं, और आप अलंकार शब्द को अलम का भी पर्याय मानते हैं। ननु ब्रूमः अलम इत्येव अलंकार आगतमेव ब्रह्मार्थकत्वमेव अल शब्दस्य। अब यहां विचार थोड़ा सा किया जाएगा, अलंकार शब्द में ये कैसे बनेगा, क्या इसका स्वरूप है, कैसे हम इसको बना सकते हैं, इसका प्रयास किया जाएगा। अलंकार शब्द यदि ब्रह्म अर्थ का वाचक है तो आकार से अ के ग्रहण के समान
अलंकार शब्द से अलम का ग्रहण किया जाए तो यह कार शब्द क्या है? क्या यह कार स्वार्थिक प्रत्यय है अथवा क्रीधा से घय प्रत्यय विधान करके निष्पन्न कार्य शब्द? यह प्रश्न यहां उठता है। कार इस स्वार्थिक प्रत्यय का विधान वर्णात्कार सूत्र से होता है, इस वार्तिक से, जो वर्ण के निर्देश के अर्थ में विहित होने से उस वर्ण मात्र का बोध कराता है। कार प्रत्यय का वर्ण का निर्देश करने के लिए अन्य कोई अर्थ नहीं होता है। प्रयोग में एवकार में एव शब्द मात्र बोध कराने में, वषटकार में वषट शब्द मात्र का बोध कराने में जैसे एवकार व वषटकार शब्द है, उसी प्रकार ओम मात्र के बोध में ओंकार, इस प्रकार कार्य शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में देखा जाता है। व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत है प्रयुक्तानाम अन्वाख्यानम ना प्रयुक्तानाम, अतः एव वषट ओम शब्दों में वर्णत्व का आरोप करके कार इस प्रत्यय का विधान जैसे माना जा सकता है, वैसे ही अलम शब्द में भी वर्णत्व का आरोप करके कार प्रत्यय मान कर सकते हैं। लग शब्देन्दु शेखर कार ने कार प्रत्ययोपि न बाहुलकात, इस ग्रंथ के विवेचन में लघु शब्देन्दु शेखर की जो अभिनव चंद्रिका टीका है जिसके लेखक आचार्य विश्वनाथ दंडी भट्ट है, उन्होंने लिखा है न चाल लोपो न इति सूत्रो दाहृतो अनकार हस्कार इत्यादो कार प्रत्यानुपत्ति वाच्यम अनिनस्मिन ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन इति परिभाषया अनादिषु वर्णबोधकत्वाति देशात् अन्य तो एवकार वषटकार इत्यादि कार प्रत्ययात अन्य कश्चित कार शब्द तेन समास इत्याहु। यहाँ अन्य तो शब्द से द्वारा प्रतिपादित तर्क के आधार पर एवकार वषटकार ओंकार शब्दों के प्रयोग के द्वारा एव वषट ओम का बोध कैसे करेंगे? यदि कार शब्द से समास करते हैं तो कार शब्द को भावघयंत मानते हैं तो एव क्रिया वषट क्रिया ओम क्रिया अर्थ होगा, क्योंकि भाव शब्द क्रिया का वाचक है। इसी प्रकार कर्मणि करणे वा घय के अनुसार कर्म अथवा करण अर्थ में घय प्रत्यय का विधान मानने पर भी अभिलषित अर्थ की प्राप्ति नहीं दिखाई देती। अतः प्रश्न उठता है किस उपाय से एव कार वषटकार ओम कार शब्द एव वषट और ओम मात्र के बोधक होंगे। इस विषय में प्रयोग ही एक शरण है और इस बार का आलम्बन करना पड़ेगा। महाभाष्यकार ने पश्वसान्य में लिखवा है अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते त्यथा शब्द कुरु मा शब्दम कार्षी शब्द कार्यम माणवकः इति। इस प्रकार क्री धातु धातु नाम अनेकर्थत्वात् इस सिद्धांतानुसार उच्चारणार्थक और ज्ञानार्थक भी माना जाता है। परिणाम स्वरूप एव वषट ओम अलम इत्यादि में ए जो है एव वषट ओम अलम इति वा क्रियते ज्ञायते गृहते वा अनेन असौ एव कारः वषटकारः ओंकारः अलंकारः, इस प्रकार करण अर्थ में क्रीधा से घ प्रत्यय करने पर एवकार शब्द एव का वषटकार शब्द वषटका ओंकार शब्द ओम का तथा अलंकार शब्द आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा अभिप्रेत अलम शब्द का बोधक बन सकता है। इस व्युत्पत्ति से अलंकार शब्द आपके द्वारा स्थापित अलम ब्रह्म इस महावाक्य के अनुसार ब्रह्म का बोधक बन सकता है। प्रश्न यह उठता है कि कोश में धातुलभ्य अर्थ में कहीं भी अलम शब्द आपके द्वारा निर्दिष्ट अग्नि पुराण में, उसमें भी केवल उद्धृत परिशिष्ट में जो साहित्य दर्पण का है, न कि मूल ग्रंथ में, अलम शब्द कहीं भी ब्रह्म अर्थ के प्रतिपादक के रूप में दृष्ट नहीं। संप्रति उपलब्ध अग्नि पुराण के किसी भी संस्करण में अजम पाठ ही मिल रहा है, न कि अलम पाठ, तो उसकी ब्रह्म परकता कैसे बन सकती है? इसके तीन समाधान हो सकते हैं। प्रथम समाधान है दात्वर्थ के द्वारा अलति पर्याप्त समर्थो भवति सर्वकर्म विधान यत् तत् अलम ब्रह्म। इस प्रकार अल धातु से जो है बाहुलकात अम प्रत्यय करने पर अलम शब्द ये परब्रह्म का वाचक हो सकता है। अलति पर्याप्त समर्थ भवति सर्वकर्म विधान यत् तत् अलम अर्थात ब्रह्म।
दूसरा जो है अवधातु पर्याप्त अर्थ का वाचक है, अतः अवति का अर्थ होगा समर्थ है, पर्याप्त रूप से भी सभी प्रकार के कर्मों को संपन्न करने में जो समर्थ है वह अलम अर्थात ब्रह्म है। द्वितीय समाधान है अल इति अखिल वर्ण समामनाय, अल से हम संपूर्ण वर्ण समामनाय को लेंगे, तो अत्यते तत्वतया सम्यक ज्ञायते अनेन तत् अलम इति ब्रह्म। यहां पर इस प्रकार जो है अल इति अखिल वर्ण समामनाय और अल्यते तत्वतया सम्यक ज्ञायते अनेन तत् अलम अर्थात ब्रह्म, इस प्रकार अल इस संपूर्ण वर्ण समुदाय के वाचक प्रत्याहार से अगर विचार करने पर तो जो है अल्यते अर्थात तत्व पूर्वक अच्छी प्रकार से समग्र रूप से जिसको जाना जाता है वह अलम ब्रह्म है, तो ये अत्यते कहा जाएगा, तो अल पूर्वक अत सातत्य गमने जो गमनार्थक होने के कारण ज्ञानार्थक भी है से अन्य शाम विदृश्यते, इस सूत्र से जब हम डॉ प्रत्यय का विधान करते हैं अनुबंध लोप करके अल अत अ इस अवस्था में डित्त सामर्थ्य टी अर्थात अत भाग का जो लोप करेंगे तो अल शब्द ब्रह्म का वाचक हो सकता है। यद्यपि अन्य शब्द दृश्यते इस सूत्र में जन धातु से ही डॉ प्रत्यय का विधान होता है, फिर भी कौमुदीकार ने सूत्रस्थ अपि शब्द के बल से अन्य धातुओं से भी डॉ प्रत्यय का विधान स्वीकार किया है। वैसे ही जैसे परितः खाता इति परिखा, यहाँ पर परिपूर्वक खन धातु से डॉ प्रत्यय होने पर परिखा यह शब्द निष्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में फिर यहाँ पर भी अल धातु से डॉ प्रत्यय अल पूर्वक अत धातु से डॉ प्रत्यय का विधान करने पर भी यह शब्द निष्पन्न होगा, अथवा अल धातु से हम डॉ प्रत्यय करके भी अल शब्द की निष्पत्ति कर सकते हैं। तीसरा समाधान है आइति वासुदेव विष्णु यथा अकारो विष्णु रुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वर, ये स्वरूप देखा जाता है, तो अम विष्णु रूपम जगत परिपालनाय लाति आददाति स्वस्मै तत् अलम ब्रह्म, इस प्रकार हम अलम शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। यतो हि परब्रह्म एव जगत परिपालनाय विष्णु स्वरूपम सृष्टि रचनायै ब्रह्मणः प्रजापतेः स्वरूपम संहाराय च शिव स्वरूपम आददाति, तो इस प्रकार जब हम व्युत्पत्ति करते हैं तो यहाँ अवर्ण वासुदेव या विष्णु का वाचक है, कहा भी गया है कि अकार विष्णु स्वरूप है, मकार महेश्वर है, अम का अर्थ होता है विष्णु स्वरूप, संसार का परिपालन करने के लिए अपने अंदर परिपूर्णता का आधान करने वाले हैं अलम अर्थात ब्रह्म के रूप में विष्णु, क्योंकि मान्यता है कि परब्रह्म ही जगत का परिपालन करने के लिए विष्णु का स्वरूप, सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा का स्वरूप और सृष्टि का संहार करने के लिए शिव का स्वरूप धारण करते हैं। विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। और दूसरा एक है सृजत्येष जगत सृष्टौ स्थितौ पाति सनातनः हंत चैवान्तकत्वेन रजः सत्वादि संशयः, इस तरह से गो तथा ब्रह्म विद्या के उपासक ब्राह्मणों के हित साधन में निरंतर समर्पित ब्राह्मण हित चिंतक देव को प्रणाम अर्पित है, वही जगत का हित करने के लिए कृष्ण या गोविंद का रूप धारण करते हैं, वही रुद्र के रूप में समस्त कल्पों के अंत में रुद्र के रूप में उपस्थित होते हैं, ऐसे त्रिमूर्ति परब्रह्म को प्रणाम अर्पित है। सनातन परब्रह्म सृष्टि की रचना करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और अंत में यवराज के समान उसका विनाश करते हैं, ऐसे सत्व रजस और तमोगुण के आश्रय से सृष्टि की रचना परिपालन और संहार में क्रमशः संलग्न परब्रह्म को प्रणाम। इस प्रकार अ शब्द विष्णु अर्थ का वाचक है और अ कर्म पूर्वक ला आदाने धासे आतोन उपसर्गे कह इस सूत्र से क प्रत्यय करने पर सिद्ध जो अलम शब्द है नपुंसक लिंग में वह शब्द ब्रह्म परब्रह्म का वाचक होता है। अलम शब्द इन उपर्युक्त व्युत्पत्तियों से परब्रह्म का वाचक माना जा सकता है, यद्यपि तीनों व्युत्पत्तियों से सिद्ध अलम शब्द नपुंसक लिंग में है ब्रह्म वाचक होने के कारण,
तो फिर अलंकार शब्द का स्वरूप ब्रह्म परक कैसे होगा, यह भी विचारणीय है। इसमें शब्द शास्त्र ही कुछ चमत्कार प्रकट करेगा। अलम ब्रह्मत्वेन आत्मत्वेन वा कार्यते स्थाप्यते स्वप्रेरणया काव्ये अनेन स्व अलंकारः, ये हम व्युत्पत्ति करेंगे इसकी। अर्थात अलम पूर्वक जो कार्य ण्यंत क्री धातु है उससे घ प्रत्यय करके अलंकार शब्द बनेगा। यहाँ पर अल धातु से औणादिक अम प्रत्यय करने पर अलम, यह अव्यय पद गृहित होगा, न कि पूर्वित्वद नपुंसक लिंग अलम शब्द। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अलम शब्द ब्रह्म का वाचक है। तथैव आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार अलंकार शब्द भी परब्रह्म का वाचक हो सकता है। इस ग्रंथ में काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण को लेकर के 3, शब्द को लेकर के 1 और साहित्य को लेकर 2 और रस को लेकर 4 और ध्वनि को लेकर 3, व्यंजना के विषय में 1 और लक्षणा के विषय में 1, काव्य शास्त्रों की आलोचना तथा अलंकार के विषय में 4। आपका जो अलम ब्रह्म यह है निबंध है जिसमें अलम ब्रह्म की स्थापना आपने की है और बड़े ढंग से उसकी रचना हुई है, ये पूरा निबंध संग्रह है जिसमें इसके काव्य शास्त्र के खंड में काव्य लक्षण को लेकर के 3, शब्द को लेकर के 1, साहित्य को लेकर के 2, रस के विषय में 4, ध्वनि के विषय में 3, व्यंजना के विषय में 1, लक्षणा के विषय में 1, काव्य शास्त्रों की आलोचना तथा अलंकार के विषय में 4 एवं भारतीय व्याख्या पद्धति के विषय में 1 निबंध है। और काव्य खंड के अंतर्गत आचार्य द्विवेदी द्वारा ये संरचनाएं हुई हैं और इसमें ही पहला निबंध जो है अलम ब्रह्म है जिसके विषय में हमने पूर्व में चर्चा की है। इसी ग्रंथ के नाट्य खंड में भरत में नाट्य शास्त्र के की संपादन विधि पर 1, कालिदास पर 1, अवस्था और अर्थ प्रकर पर 1, नाट्य प्रयोग में कुतप विधान पर 1, संस्कृत काव्य शास्त्र में ब्रह्म विद्या पर 1 निबंध, इस प्रकार 5 निबंध नाट्य खंड में प्रकाशित है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च विघ्न विघाता मंगलम कुर्यात्, इस नियम के आधार पर आपने सर्वप्रथम ग्रंथ का निर्माण करने से पूर्व मंगल का उपक्रम करने में अलम ब्रह्म सिद्धांत की स्थापना की और इसी के साथ अन्य निबंधों में भी इसका उपपादन किया है। ग्रंथ के अंत में संस्कृत काव्य शास्त्रम ब्रह्म विद्या, इस निबंध के माध्यम से आपने ब्रह्म अर्थ के वाचक रूप में अलम ब्रह्म की स्थापना के साथ साथ तस्मात आनंदम ब्रह्म विजानी ही, इस तैतरीय उपनिषद वचन में आनंद ब्रह्मवाद के संवाहक रूप में काव्य शास्त्र को मानकर इस ग्रंथ का उपसंहार किया है। यह ग्रंथ प्रत्येक संस्कृतज्ञ के लिए सर्वथा उपादेय है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आचार्य द्विवेदी की जो लेखनी है वो किस विषय में अधिक प्रसृत होती है ये कहना मुश्किल है। साहित्य शास्त्र की प्रत्येक विधा में उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रकाशित होता है। काव्य रचना का संदर्भ देखा जाए तो अत्यंत विलक्षण है और जिनकी सनातन कवि के रूप में प्रसिद्धि प्रारंभ से रही है उनकी काव्य रचनाओं को मुझे सुनने का कई बार सुअवसर मिला है। सर्वप्रथम अवसर मुझे सन 1992 में प्रयाग में मुझे प्राप्त हुआ था। इसके बाद तो काशी आने पर अनेक बार मैं अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सका हूं। साथ में जो निबंध की रचनाएं का जो चिंतन है वो भी आपका अद्भुत है। जब आप किसी निबंध को लिखते हैं तो उसके प्रत्येक आयामों पर एक विलक्षण स्वरूप उसमें स्थापित करते हैं जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो अन्य ग्रंथों में आपको नहीं मिलेंगी, उनके विचार का ही वो स्वरूप वहां प्रस्फुटित होता है। और जहां महाकाव्यों का जो स्वरूप है, चाहे उस जो भी उनके महाकाव्य खंड काव्य रहे हैं, प्रायः कई संतों के ऊपर
जैसे करपात्री जी है और अन्य लोगों के ऊपर उनकी रचनाएं हुई हैं, साथ साथ में विश्वविद्यालय के ऊपर में भी रचनाएं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस विषय में कह रहे इस विषय में इनकी रचना नहीं है। जो भी दृश्यमान जगत है और जहां समझते हैं कि एक कोई प्रकाश अध्येताओं को हमारी रचनाओं से मिल सकता है, उन रचनाओं के प्रति आचार्य द्विवेदी जी की लगता है उस भगवान की प्रेरणा उनको होती है, भगवान विश्वनाथ की प्रेरणा होती है कि आप इन रचनाओं को करें और उन रचनाओं में प्रवृत्त हुए। मुझे उनके महाप्रयाण के कुछ दिन पूर्व भी उनको उनका दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। यद्यपि थोड़ा सा रुग्ण होने के कारण बोल उतना नहीं सकते थे, परंतु मुखाकृति देख करके ऐसा लगता है कि किसी न किसी एक अद्भुत ज्ञान के चिंतन में उनका स्वरूप दिखाई पड़ता है। एक ऋषि जैसे उनका जीवन था, ऋषि जैसे उनकी चर्या थी, ऋषि जैसे उनका स्वरूप था। और यद्यपि संसार है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है, प्रत्येक के अंदर गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, परंतु इस जीवन में जिसने अपने गुणों को प्रकाशित होने दिया, दोषों को किसी के सामने आने नहीं दिया, वही मानव महामानव के स्वरूप में प्रकट होता है। आचार्य द्विवेदी जी का व्यक्तित्व एक ऋषि तुल्य होने के साथ साथ इस संस्कृत जगत के लिए एक रचनाकार के रूप में एक महामानव का स्वरूप प्रकट होता है। ऐसे आज आचार्य द्विवेदी जी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनका जो ये साहित्य संसार है वो आज भी हमारे सामने हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए और एक सतत उच्च प्रेरणा कुछ अच्छा काम करने के लिए वो प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही है। आचार्य द्विवेदी जी को मैं पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ और उनसे ये आशीर्वाद अगर मांगना है तो मांगूंगा कि मुझे भी ऐसी प्रेरणा हो, कुछ नए नए कार्य मेरे द्वारा संपादित हो। इन शब्दों के साथ आप सभी विद्वानों को, सभी श्रोताओं को अत्यंत विनम्रता के साथ प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु विद्वांसः।